कार्बन ने कल एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जो कि मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ, आज हम उसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। फ़ोन का नाम है कार्बन टाइटेनियम फ्रेम्स S7। तो ये फ़ोन है, आप देख सकते हैं, और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और हम यहाँ देखेंगे कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन ने अपने इस नए फ़ोन में क्या क्या दिया है, ये उसका बॉक्स है और हम इसे ही अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। पीछे की तरफ देखें तो इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं फ़ोन के। बॉक्स भी काफ़ी कूल और रेड कलर का है, अच्छा सा लग रहा है। चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर की है क्या। ये हमने बॉक्स को ओपन किया है, एक पॉली बैग के अंदर ये रैप है फ़ोन, हम इसे बाहर निकालते हैं। ये फ़ोन ब्लैक कलर का है और ये पूरा आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये फ्रेम लगा हुआ है, हम इसे निकाल दें। फर्स्ट लुक में ये फ़ोन 7000 की कीमत वाला फ़ोन है, तो हम इसे प्रीमियम लुक वाला कह सकते हैं। और इसके बैक में भी कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये भी हम यहाँ से निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ोन दिख कैसा रहा है फ़िलहाल। और कर्व्ड एजेस वाले फ़ोन हैं, बैक इसका मेटल बॉडी का है, कुछ एंटीना लाइंस भी नज़र आ रहे हैं। 13 मेगापिक्सल का कैमरा आप देख सकते हैं इसमें। बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद हम ये फ़ोन को साइड रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो यहाँ पे है सिम इजेक्शन टूल है, थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर हो रही है इसे निकालने में, और खैर बॉक्स को भी हटा देते हैं सिम इजेक्शन टूल के साथ साथ। इसके अलावा आपको मिलता है इसमें ये फ़ोन का कवर है मौजूद है, जो कि प्लास्टिक का है कवर, यानी आपको फ़ोन से अच्छी सुरक्षा भी मिलेगी। उसके अलावा फ़ोन के अंदर है ये आपका एडाप्टर, डेटा केबल मौजूद है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, डेटा केबल है, एडाप्टर का डेटा केबल है। और यहाँ पे ईयरफोन भी फ़ोन के साथ असेंबल किया गया है, यानी जो भी ग्राहक इस फ़ोन को ख़रीदेंगे उन्हें साथ में ईयरफोन मिलेगा। देखते हैं खैर ईयरफोन की क्वालिटी क्या है, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगी। इसके अलावा यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है और साथ में स्क्रीन गार्ड भी मौजूद है। यानी ये तो हुई फ़ोन की अनबॉक्सिंग जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इस फ़ोन पे अगर नज़र डालें तो जैसे कि मैंने शायद पहले ही कहा आपसे कि ये थोड़ा दिखने में वीवो और ओप्पो के फ़ोन जैसा नज़र आ रहा है। बाकी इसके अलावा मैं स्पेसिफिकेशंस पर अगर बात करूँ तो इसकी इंटरनल मेमोरी 32 GB की है और ये एक्सपेंडेबल भी है 64 GB तक। इसके अलावा इसकी बैटरी 3000 mAh की है, वोल्ट सपोर्ट करता है, OTG सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही, हमने देखा पीछे में, और 1.45 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर भी है। 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, तो ये वाकई में देख सकते हैं 5.5 इंच डिस्प्ले इसका। इसके अलावा इसका रियर कैमरा भी 13 MP का है और फ्रंट कैमरा भी 13 MP का है, यानी 7000 के इस फ़ोन में आपको दोनों ही ओर 13-13 MP के कैमरे नज़र आ रहेंगे। कैमरा अगर देखें तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसका ये रियर कैमरा है और देखते हैं कि शटर कितना फास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका शटर भी काफ़ी फास्ट है। इस अनबॉक्सिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे भी हम आपको नए नए फ़ोन्स के बारे में बताते रहेंगे, नए नए फ़ोन के अनबॉक्सिंग करते रहेंगे। तब तक बने रहिए आज तक के साथ।